परिवार में हम पांच सदस्य हैं, मैं बिट्ठो रानी, हमारे पति मंत्री त्रिलोकीनाथ और मेरे पास दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम है गंगाधर और छोटे बेटे का नाम है बंटाधर। क्या बताऊं, जो मेरा बड़ा बेटा है वो हमेशा बीमार रहता है। मैंने सोचा अगर कहीं मेरा बड़ा बेटा मर जाएगा, गंगाधर मेरा बेटा मर जाएगा, तो मेरे दहेज में नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आज चार दिन हुआ बड़े बेटे का गौना लाई हूं बहू घर में, जिसका नाम है राधा। और जो मेरा छोटा बेटा है वो दिमाग का कम है, जानता सब कुछ है लेकिन कभी कभी अपनी मनमानी करने लगता है, जो जी में आता है वही पकने लगता है, ना तो माँ को माँ जानता है ना तो पिता को पिता जानता है। प्रणाम, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। कहा तो है, हाँ कहा कहो, छोटकुआ बेटा बड़कुआ सही है, छोटकुआ का वहां कम दिमाग का है, कम दिमाग का है, हाँ क्रेक है, दिमाग क्रेक। अरे उसके जरिए गांव में मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। भाई ताना सुनने मिलते हैं, कत दिखाऊ नहीं? अरे बहुत दिखाई दे, 10 लाख रुपया खर्चा कर चुकी हूँ। 10 लाख मतलब आराम नहीं हुआ, उससे कोई से ना वैसे कोई सा है तो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, हमारे मंत्री जी 3 पंचों से निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। जी जी जी, चौथी बार चुनाव प्रचार चल रहा है। हाँ हाँ, हमारे मंत्री जी आते होंगे, मैं बैठ कर इंतजार कर। चलो चलो बैठ कर इंतजार। हेलो हेलो, हाँ भैया, मेले में आए हुए सभी, मम्मी को देखी है? आप लोग मेरी मम्मी को नहीं देखी है? मैं अपनी मम्मी को बुलाता हूं। मम्मी, आयो मम्मी, छूती है, है, है। या चला उठाई थी, अब वही जहां जाए फिर वही चला जाते। मम्मी का बेटवा, ये तू कैसे होलिया बनाए है? अपन होलिया नाय कोलिया में खेलत रहे, गोली कैसे कपड़वा बनाया है? तोका चाहे जितना नीक पहरा दे, चाहे जितना तोका नीक लाए दे, लेकिन तू रह वैसे के वैसे। हाँ सही करे, एकदम एकदम पगल है। हाँ भैया गिनती करे रहा, एक दिन में पहल चुका है के पाए हाँ चश्मा सब उतारे, चश्मा की दुकान लूटे है तू? मैं एक चश्मा लगाओ तो मां चार पांच ही रहे हैं। क्या कह रहे के लूटे है? हां मैं के दुकान लूटे, मां बेटा चोर है। कार खोल सुन ले, हमार बेटा चाहे जैसे होए, अगर के कुछ कहेस ना तो हमसे बुरा के होए ना का जान ले। ए दूल्हे राजा फिल्म गोविंदा हो गया देखा था? काहे कहा बेटा बंटा था? मम्मी कहा? मम्मी हाँ, मुझे भूख लगी है। तू खाना नहीं खाया बेटवा? नहीं। अरे मोर बाबू रे, खाना नहीं खाया? चला आ भाई अपने बाबू का खाना खवाई, आवा बेटवा चला खाना खवाई। नहीं खाना ना खा, खाना ना खावे, खाना ना खा, फिर बेटवा माटी खावे। हेलो
दूध पिया। अच्छा दूध पी बेटवा, चला दूध उबाल के अलमारी पर रखे आई, आओ चला दूध पिया दे। दूध ना पीबे फिर बेटवा कैसे हंसते? वैसे रहा भाव, तू जो लड़कियां खा जाता मैं तक पकड़ा आया। नहीं रे, अब ये माल लेके कहां हम कहीं दे। अब गांव वाले देखिए सुनिए कि बंटा धरवा इतना बड़ा के हो गया है, अपने माई का भी दूध पिया था। हाँ कहिए कहां बात ना पगले है जो दूध। गिनती पहले है, दो जने पेल चुके ये पर माइन के लागत है। तू यहाँ काउंटिंग करे आया है, गिनती की नहीं आया? ये बेटवा यहाँ, बेटवा यहाँ आओ। बेटवा पापा तो अरे कहाँ है बेटवा? पापा साला काला कुत्ता। काला कुत्ता ना होए। पापा साला काला कुत्ता। ये बेटवा तोरे पापा का चुनाव निशान काला कुत्ता है बेटवा, ऐसे ना बोले। निशान काला कुत्ता, तोरे पापा का चुनाव निशान काला कुत्ता, पापा साला कुत्ता। देखा बेटवा भाई पापा तोरे आवत हो बेटवा ना आओ। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, अरे मेरे स्वामी जी हैं, मेरे स्वामी जी हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं, अरे ये मेरे पति हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये मेरे पति हैं, तुम्हारे पापा हैं, कहाँ पापा हैं, पूरे गांव भरे पापा हैं, कहाँ पापा हैं, तुम्हारी मम्मी हैं। स्वामी जी आप जब कभी मेरे पास आते थे तो हमेशा खुश नजर आते थे, आज क्या बात है मंत्री जी, आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, बताइए स्वामी जी क्या बात है? स्वामी जी आपके चेहरे में क्यों तो उदासी छाई है? आप आते थे खुशहाल थे। तमोसी नहीं, यही दहियावा का पूरा भार उनके ऊपर लगा है, पूरा दहियावा चोर लगा है। उठाई ना पावरे नहीं तो ही मारा। बताइए मंत्री जी आप बताएंगे नहीं तो मैं समझूंगी कैसे? ये तुम जानना चाहती हो कि मैं उदास क्यों हूँ? जी हाँ, उदासी का कारण अगर तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताने जाऊंगा? बताइए सर। सुनिए We'll be right back.
किस जाए मुझे गम है भाई यही बात समझ नहीं रही हूं। आप मुझे साफ साफ बताइए क्या बता रहे हैं मुझे। बिच्छू रानी तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तीन पंचवर्षीय विधानसभा फूलपुर का निर्विरोध मंत्री चुना गया, लेकिन इस वर्ष में इसी विधानसभा फूलपुर का एक रिटायरमेंट मास्टर मास्टर दीनानाथ पांडे वो हराम ज्यादा मेरे खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। बैठा रहा तुसे बैठा रहा साहेब बाबा कहां समझाए गई हैं। लौंडा के देखे पगलान हमें जानवर निर्विरोध मंत्री चुना गया और इस वर्ष साल में इस पंचवर्षीय में हमारे बरखिलाफ दीनानाथ पांडे ने टिकट लगा दिया। मुझे अफसोस है कि मैं इलेक्शन हार न जाऊं। लेकिन मंत्री जी आप बच रही है, आप लोग कहां जा रहे हैं? अरे चालू तो हिया तो बैठा कहा तो भत्तू भगा जाता है। काम करो, यही मुझे डर है कि अगर पब्लिक को मैंने कुछ सुविधा नहीं दिया है, हो सकता है कि पब्लिक का रुझान दीनानाथ पांडे की तरफ चला जाए और मैं इलेक्शन हार जाऊं। मंत्री जी ये आप क्या कर रहे हैं? उस हराम जाने दो टके के मास्टर की इतनी बड़ी औकात कि आप खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया, वो तलिक भी नहीं सोचा। अगर ऐसी बात है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी पहुंच दिल्ली तक है, मेरी पहुंच दिल्ली तक है। हाँ मम्मी ने सच कहा पापा, मम्मी की पहुंच दिल्ली तक है। दिल्ली नहीं नालायक, दिल्ली। हाँ और मैं उस हरामजादे दीनानाथ थोड़ा को आपके पांव पर नाक नहीं रगड़वाई तो मेरा भी नाम बिच्छू रानी नहीं। लेकिन कैसे? उसके पास दो औलाद हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है भोला और बेटी का नाम है सीता। मम्मी ने सच कहा, बेटे का नाम छोला, बेटी का नाम सीता। बेटी का नाम सीता है तो है ना शेर है तो काम गिदड़ों कितना नहीं ना लाए कहीं पर बैठ। हम लोग चले गए दीनानाथ के घर, चल करके उसकी बेटी का हाथ अपने बेटे बंटाधर के लिए मांगूंगी। जब हमारे बेटे बंटाधर की शादी हो जाएगी तो उस हरामजादे दीनानाथ को आपके पांव पर नाक नहीं रगड़वाई, मेरा जीन अधिकार है। इसमें हंसने की क्या बात है? हंस में क्यों रहा हूं?
क्यों हंस रहा हूं उसका कारण है। हाँ। समाज में कितने लड़के बीएड बीएससी सब करके बैठे हैं बेचारे, उनकी शादी नहीं हो रही है, बर नहीं मिल रहा है कायदे का। हाँ। इस पागल साले से शादी कौन करेगा? तो का यह पता है कि तुम ही खानदानों के है, चार जने को पेल चुके एक खानदान का ना वही। हाँ। ननियौरे के। हाँ। जैसे जे राहत हुई है दूसरे को बतावा था। मंत्री जी आप चिंता मत करिए, चलिए मेरे साथ, आप इतनी दूर से आए थके हुए हैं, आप नहाइए खाइए उसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है, वैसे ही असंभव बात है, अगर तूने इसे संभव कर दिया तब तो ठीक है, नहीं तो हमें तो मालूम विश्वास नहीं। आप चिंता मत करिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है आइए। चलिए मम्मी, अब हम भी आ गए। हाँ बेटा, अब तुहार ब्याह हो बेटवा। ए मम्मी, हाँ हम एक दुल्हनिया ले। कैसे दुल्हन ले रहा? हम अंडा पाली ले। कई अंडा पल गया मुर्गी मुर्गा होएगा, अंडा पलवावे जा तो हम आती थे उन्हें। उसके कहने का मतलब समझे नहीं? अरे बेटा आजकल जो भोजपुरी फिल्म की वो सुपर स्टार हीरोइन है उसका नाम है, उनका नाम है अमरपाली दुबे, ऐसा बोला जाता है बेटा। चलो ठीक है, उसी तरह तुम्हारे लिए मम्मी ले। फिर हम वाली ले। कौन वाली? ब्याह के पहले तो हाई गति है, ब्याह हुई है तो पता नहीं का हुई है। जान छुपे छूत की बीमारी है विश्वास माना। अरे इनका दिखाई जा, क्या बात है, इनका दिखाई जा नहीं का दिन जान तो वह निपुर जी है। नालायक क्या उसके मिर्गी आती है नालायक? बतमी जांच बोल समझ रहे। चलिए मंत्री जी उठाइए बेटे को, चलिए यहां से। अनी कब से मेरे दिल में एक बात छिपी है और सोचता हूं बिच्छू रानी अकेले में मिले तो कहूं, किंतु अब तक मौका ही नहीं मिला। आज मौका मिल गया है सो कहता हूं अपने दिल की बात कह दूं। लौटा राम, सबसे पहले तुम ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरा हाथ पकड़ कर खींचने की? सब समझ जाओगी मेरी जान। बिच्छू रानी मैं तुम्हारे इस हुस्न का दीवाना हूं। तेरे नाम का क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं, क्या बाल है, क्या गोरे गोरे गाल है, गोरे गोरे गालों पर काला काला तिल कहे लागे रानी हमारा। Thank you.
कान खोल के सुन लो लोटा राम जी, ये बात मैं मंत्री जी से जरूर बताऊंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई? अभी मैं मंत्री जी से बता चलो, ये बात बेशक मंत्री जी से बता दो, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात मंत्री जी से बता दोगे तो सोच लो और समझ लो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम चाहते क्या हो? मैं तो मेरी जान एक चुम्मा चाहता हूं, एक चुम्मे के बदले 5 साल ऐश कर सकते हो। क्यों? सोच लो समझ लो, अगर ये बात मंत्री जी से बता दोगी तो मैं तुम्हारे पति की पार्टी छोड़ दूंगा और दीनानाथ माता की पार्टी में जुड़ जाऊंगा, इलेक्शन उसे जिताऊंगा। सोच लो और समझ लो, फैसला तुम्हारे हाथ है। समय 5। मेरा नाम है लोटा राम, बिन बेंदी का लोटा, जिधर चाहे उधर लुढ़क गया। सही कह रहा है, अगर कहीं ये लुढ़क गया तो फिर सारा काम बेकार हो जाएगा। और जो मैं अपने पति से वादा की हूँ कि मैं आप ही को मंत्री बनाऊंगी और उस दीनानाथा को आपके पैरों पर नाक रगड़वाऊंगी, मेरा कहा हुआ वचन झूठा हो जाएगा। कोई बात नहीं है, केवल एक चुम्मे की बात है, उसके बाद 5 साल ऐश की जिंदगी जीऊंगी। लोटा राम जी, बोलो मेरी जान। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं। सहमत हो? लाओ मुझे चुम्मा तो। लेकिन लेकिन अगर मगर किंतु परंतु, जहां भी लगता है ना सब काम गड़बड़ होता है। मेरे कहने का मतलब नहीं समझे? मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे तुम्हारे बीच की बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। किसी नहीं पहुंचेगी। तो देरी किस बात की है? जब मैं राजी हो तो दूसरा कौन क्या करेगा। लाओ मेरी जान। साला मिजाज हरा हो गया। लेटर आओ, आइए हम लोग चलते हैं दीनानाथ के घर, और दीनानाथ के घर चल करके अपने बेटे बंटाधर की शादी तय करूंगी। आओ नहा और चलो मेरे साथ। चलो उसके घर उसे। देखा दोस्तों, अभी तो केवल एक चुम्मा लिया हूं। क्या? एक चुम्मा लिया हूं। अगर इसी तरह साथी को पर्चे बना रहे होगे, कसम कसम है इस जमाने की, एक दिन पिछु रानी को अपने दिल की रानी चली बनाओ। इसीलिए कहता हूं, खाओ कम खिलाओ ज्यादा। खाओ कम खिलाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा, जय हो लक्ष्मी माता की। अब बिछुराने मुझे मिल गई है, ऐसे को मैं कहता क्या हूं, तमाशे में मजा तो अब आएगा। आप लोग बैठे रहेगा, अगला सीन इस ब्रेक के